हेलो गाइस, माय नेम इज़ तरुण एंड ये मेरी पहली वीडियो है। एक्चुअली मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाया, उसके लिए मैं एक कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ गेट जियोमेट्रिक्स के लिए 2023। तो ये मेरी पहली वीडियो है और मैं आज आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा, जिसमें गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग जो पिछले 2022 से स्टार्ट हुआ है उसके लिए मैं आपको सिलेबस आज दिखाने वाला हूँ और थोड़ा ब्रीफ करूँगा उस सिलेबस के बारे में। और इससे रिलेटेड सिलेबस में जितना भी होगा कवर मैं 23 फेब से पहले कर दूँगा। फेब 23 से पहले सारा सिलेबस मैं आपके लिए कवर कर दूँगा। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आप मेरे लेक्चर्स की वीडियोस देख सकते हो। तो ये मेरा पहले वीडियो और मैं आपके आगे ये जियोमेट्रिक्स का सिलेबस ओपन किया हुआ है, जिसमें पिछले साल ही हुआ है तो कोई चेंज नहीं होगा, इस साल भी सेम सिलेबस रहेगा, जिसमें आपको पैटर्न पहले पता होना चाहिए गेट जियोमेट्रिक्स के लिए। तो इसमें जो पार्ट ए कॉमन दिख रहा है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पार्ट ए कॉमन है जो कि दोनों, उसके बाद पार्ट बी में सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 जो है वो चॉइस के लिए दे रखा है। तो जिसका जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो वो चूज कर सकता है। और ये आप पेपर में ही चूज कर सकते हो, मीन्स आपके सामने पेपर में दोनों ऑप्शन दिखेंगे, दोनों सेक्शन के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, लेकिन आपकी मर्जी है कि आपको कौन से सेक्शन को करना है। लेकिन आप हाफ ऑफ नहीं कर सकते, कोई एक सेक्शन चूज करना पड़ेगा और उसी के आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन जो कॉमन पार्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेसिक जियोमेट्रिक्स, ये आपको कंपलसरी है, मीन्स इसमें चॉइस नहीं है। तो इसमें आपके पास है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड नहीं है पर एडवांस्ड है थोड़ी सी, जो हमने पढ़ी हुई है उसको भी थोड़ा एडवांस में देखना पड़ेगा। पर मैं ये बता सकता हूँ गेट में अगर स्कोर करना है तो हम सेलेक्टेड टॉपिक्स पर भी अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा रैंक अच्छा आ जाता है। उसके बाद हमारे पास बेसिक नॉलेज है रिमोट सेंसिंग की, जो ज़्यादातर सभी लोग पढ़ चुके हुए होते हैं। उसके बाद GNSS है और GIS है, ये सारा मैं कवर करा दूंगा आपको। लेकिन बेसिकली मेरा जो फोकस रहेगा पार्ट बी के सेक्शन में, सेक्शन 1 पर रहेगा सर्विंग एंड मैपिंग, जिसमें हमारे पास जो हम BTech में जितनी भी हमने सर्विंग पढ़ी है बेसिकली वही चीज़ हमारे पास इसके सिलेबस में है। लेकिन ये जो इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस है उसके लिए आपको थोड़ा, अगर आपने मास्टर्स की हुई है तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो सेक्शन 1 है सर्विंग एंड मैपिंग, जिसके अंदर आप मैप्स के बारे में पढ़ेंगे और मैप्स में दो चार चीज़ें ही होती हैं कि वो कैसे बनता है और क्या क्या कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं। बेसिकली उसकी मैप्स के नंबर्स भी होते हैं, शीट नंबरिंग भी होती है, मैपिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैं बताऊँगा आपको। लैंड सर्वेइंग है, इसके अंदर सारे लेवलिंग मीन्स जितने भी सर्वेइंग के मेथड्स हैं, लेवलिंग, कंपास, थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, टेक्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रैवर्सिंग, ट्रायंगुलेशन, ट्रायलेटरेशन, ये एक एक पॉइंट है, मतलब एक एक वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। तो लेकिन वो भी मैं कवर करा दूँगा जितना हमारे गेट में पूछा जाता है। और फिर एरियल फोटोग्रामेट्री है, तो मीन्स ये जो पार्ट बी का सेक्शन 1 है वो बेसिकली सर्वेइंग है जो हमने BTech के बेस पर पढ़ी है। लेकिन इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस थोड़ा मास्टर्स के लिए ज़रूरी है, पर किसी किसी को ये भी काफ़ी अच्छा लगता है पोर्शन, तो वो इस पर फोकस कर सकते हैं। जैसे डाटा क्वांटाइजेशन एंड प्रोसेसिंग, इसके अंदर अब जैसे ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं जैसे कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर DIP है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, इसके अंदर आप कोरिलेशन मैट्रिक्स एंड वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, ये हिस्टोग्राम, स्कैटरग्राम, स्कैटरग्राम, ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो थोड़ा मुझे लगता है सेक्शन 1 जो है ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू सेक्शन 2। एंड रेडियोमेट्रिक एंड जियोमेट्रिक करेक्शन हम अप्लाई करते हैं तो वो भी इस समय कवर्ड है। इमेज एनहेंसमेंट है, इसके अंदर नॉइज एंड स्पेशल फिल्टर्स लगाते हैं, बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं तो वो सारी चीज़ें भी पढ़ना पड़ेगा। इमेज ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसमें मेन ये है PCA प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस,
फिर है कलर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे रेड ग्रीन ब्लू से IHS CMYK के, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। एक और पोर्शन है इसमें इमेज सेगमेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं इमेजेस की, तो सिंपल टेक्निक्स मीन्स ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ने हैं, नॉर्मल टेक्निक्स पढ़ने हैं। तो ये सारा चीज़ें मैं कवर कराऊंगा। मेन मेरा फोकस जो रहेगा वो सेक्शन वन पर रहेगा, सर्विंग एंड मैपिंग पर। और मैं अपने बारे में बता दूँ, मैंने पढ़ा था लास्ट ईयर, तो मेरी रैंक जो है 22 आई है गेट 2022 में जियोमेटिक्स में। मैंने ज़्यादा भी नहीं पढ़ा था, बस लिमिटेड पढ़ा था, लेकिन उतना ही पढ़ा था जो गेट में बेसिकली पूछा जाता है। तो मैं आपको उसी हिसाब से कवर करवाऊँगा कि आप कम टाइम में अच्छे से फोकस्ड स्टडी करके रैंक प्राप्त कर सकें। थैंक यू।